दिस न्यू लेसन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो हमारा जो यूनिट 2 है अब बस खत्म होने वाला है। तो आज जो फ्रेंड्स हम देखेंगे, आज हमको एक बड़ा छोटा सा यूनिट है, चैप्टर है हमारा यूनिट 2 का, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये पूरा करना है। एक वीडियो में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा और आपको यहीं याद भी हो जाएगा, कोई बाकी चैप्टर जो हैं उनके मुकाबले काफ़ी ईजी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूंगा कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसके बाद जो है आप हमारे नोट्स देखेंगे, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हाट इज चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, अभी देखो ना, चेंज जैसे कंबर्शन है, चेंज है, ये लोहा था इस पर जंग लग गई है, चेंज है, ठीक है? ये एप्पल था, ये सड़ गया, रॉटन, ये एक चेंज है। हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, वो चेंज है, ठीक है? ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आइसक्रीम थी मेल्ट हो गई, चेंज, ठीक? पेपर था ये श्रेड हो गया, चेंज, बॉयल हो गया, ये वाटर बॉयल हो, ये चेंज, चॉपिंग चेंज। तो आप ये देखो कि दीज आर ऑल चेंजेस। चेंजेस क्या हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, चेंज इन प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो गई, यहाँ पे साइज चेंज हो गई, ठीक है? यहाँ पे भी साइज चेंज हुई, यहाँ पे उसकी स्टेट फिर चेंज हो गई, ठीक है? ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। जैसे कंबर्शन है, जैसे कंबर्शन में मान के चलिए यहाँ पे कुछ लकड़ी जलाई, तो लकड़ी का फॉर्मूला क्या था, कार्बन, और इसकी रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नया केमिकल, एक नया सब्सटेंस ही बन गया, ठीक है? तो यह भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो ये केमिकल चेंज। तो यही जो चैप्टर है पूरा हमारा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले मैं आपको पूरा चैप्टर समझा देता हूँ, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पैटर्न में समझते हैं वैसे, फिर मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगा, आपको इजीली चैप्टर याद हो जाएगा पूरा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक देखने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज चेंज, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंज, फिर हम पढ़ेंगे जो दो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, नोट्स के लिए आप, मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ यही PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको काफ़ी होगा, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसा डिक्टेट करने वाला होगा तो वो भी मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है? तो हम आगे आते हैं सब टॉपिक्स पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज बताऊंगा, उसके बाद हम इन दोनों के, पहले आपको फिजिकल बताऊंगा, देन वी विल स्टडी केमिकल चेंज, यहाँ पे हम दोनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हम क्या देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक, उसके बाद जो कुछ हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे इस टॉपिक से अभी तक MPPSC मेंस में क्वेश्चन नहीं आए हैं जनरली इस टॉपिक से, तो फिर भी क्या प्रॉबेबल क्वेश्चन आगे आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि चेंज क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस होता है फ्रेंड्स, कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ही मान लें आप, अगर इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस है फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो अगर चेंज इन प्रॉपर्टीज होगा, चेंज इन प्रॉपर्टीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, साइज हो सकती है, कलर हो सकती है, कुछ भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो इसी वो चेंज इन प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, दो तरह के मेनली हो सकते हैं, एक हो सकता है फ्रेंड्स हमारा फिजिकल हो सकता है, और एक हमारा हो सकता है केमिकल। फिजिकल में क्या होगा, साइज चेंज हो सकता है उसका, साइज चेंज हो सकता है उसका, स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, और इसी तरह से ऐसे चेंज जिसमें कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, तो वो सब क्या होंगे फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज, इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ठीक है? और इसी तरह से अगर उसका सब्सटेंस का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नया न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इवापोरेशन, पानी को हम जब गर्म करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो कि इसकी क्या चेंज हुई है, इसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है,
इसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। तो अगर स्टेट चेंज हुई है तो स्टेट क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेट चेंज हुई है तो वो हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। तो ये कौन सा चेंज होगा, दिस वुड बी अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसी तरह से इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। अगर मान के चलिए कोई ये कि जैसे कि एग्जांपल बोल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, गर्म करूँगा, इसको मैं इसे गर्म करूँगा। तो गर्म करने का मतलब कंबशन, इसका मतलब क्या है ये कि ये मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो ये क्या बनाएगा, अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो ये पहले मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया, ये नया सब्सटेंस बन गया है, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये एक केमिकल चेंज हुआ। मतलब हमने क्या देखा, चेंज क्या होता है, हमने देखा कि चेंज वो होता है जब सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। उसके बाद हमने देखा दो टाइप्स, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, स्टेट, शेप एक्सेट्रा। केमिकल में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, जैसे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा चेंज होगा तो वो कौन सा हो गया, केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद हमने दो एग्जांपल देखे, इवेपोरेशन मैंने आपको बताया कि जिस किस तरह से इवेपोरेशन होगा, तो जो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगा, पर उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। और इसी तरह से अगर मैग्नीशियम, एक एग्जाम्पल और देखा था हमने, कम्बेशन ऑफ मैग्नीशियम, ये पहला एग्जाम्पल देखा, दूसरा देखा। तो कम्बेशन ऑफ मैग्नीशियम हमने देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज हो गया फ्रेंड्स, केमिकल चेंज हो गया। और एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल आप और देखोगे, जैसे कि हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी जैसे सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस मान के चलो उसके जो यूनिट पार्टिकल्स हैं, यूनिट पार्टिकल्स क्या है, एटम है मान के चलिए, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक सब्सटेंस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो सोडियम के ऐसे बहुत सारे एटम हैं, वो रेंडमली अरेंज्ड हैं, रेंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है। वो जब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसका क्या हो गया है फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। तो आप बताइए कि सब्सटेंस था एटम, उसके कोई भी यूनिट उसके एटम का है या जो भी है, तो वो रेंडमली अरेंज थे, प्रॉपरली अरेंज हो गए, तो उसको हमने क्रिस्टलाइजेशन बोला। अब यहाँ देखिए सिर्फ क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ है, क्या सोडियम कोई दूसरा नया सब्सटेंस बना है, नहीं, सिर्फ रेंडमली अरेंज था तो प्रॉपरली अरेंज हो गया, तो क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या चेंज होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा, क्या चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा जो ये आयरन होता है, लोहा होता है, ये इस पर एक ब्लैक रस्ट बन जाती है। तो वो कैसे बनती है, वो जब आयरन जो आपका है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो एक रस्ट बनती है, लेयर बनती है, किसकी लेयर बनती है, फेरिक ऑक्साइड की, इसकी फेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो अब ये नया केमिकल बना कि नहीं बना, तो ये बना, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा आपका, एक केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल देखिए देख लिए। अब हम क्या है, अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें किसको, अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें फिजिकल चेंज को, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंजेस इन विच केमिकल, चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, दैट चेंज वी कॉल एज फिजिकल चेंज। फिर हम उसके एग्जाम्पल लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इवोपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर आप सब्लिमेशन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सब्लिमेशन ऑफ वाटर। सब्लिमेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, लिक्विड, इसमें क्या होगा, लिक्विड से गैस, और सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस। कंडेंसेशन ऑब्वियसली इज अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इसी तरह से जब सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, फिजिकल चेंज का, ठीक है। तो और नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम पढ़ें किसकी, केमिकल
चेंज की, तो हम कैसे लिखेंगे कि चेंज इन विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड अ न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड, दैट चेंज वी कॉल एज केमिकल चेंज. एग्जाम्पल वी कैन गिव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया रस्टिंग ऑफ आयरन. दूसरा ठीक है गैल्वनाइजेशन लिखोगे तो वो भी केमिकल चेंज में आएगा. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, आयरन की कोटिंग कर दी जाती है जिंक से. ठीक. थर्ड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बर्निंग ऑफ कंबर्शन रिएक्शन, या लिख दो कंबर्शन ऑफ मैग्नीशियम, तो दैट चेंज ऑल्सो केमिकल चेंज. ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया, हमने देख लिया फ्रेंड्स कि पहले तो हमने ये देखा कि चेंज क्या होता है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ चेंज, और ये भी हमने दोनों फिजिकल केमिकल के एग्जाम्पल भी देख लिए. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं और उस तो इस तरह से टेबल यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिकल चेंज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा केमिकल चेंज. ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा. पहले पॉइंट में हमेशा हमको डेफिनेशन देनी है. देखिए अगर ये फिजिकल केमिकल चेंज क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि हमारे दो टाइप के क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. तो ये अगर आएगा तो ये बहुत चांसेस हैं कि इसमें तो नहीं आएगा, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा. अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको सिर्फ ऐसे टेबल बना के लिख देना है. अगर ये क्वेश्चन 11 नंबर में आता है तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा चेंज को बताओगे, हल्का सा फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आर गिवन इन दी आर एक्सप्लेन्ड इन दी फॉलोइंग टेबल. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप जैसे फिजिकल चेंज लिखोगे, केमिकल लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे बेसिस. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, और चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, या इसको थोड़ा वर्ड चेंज करके लिखना चाहो तो इन विच द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्सटेंस चेंज. ये हमारा हो गया डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, दूसरा हम लिखेंगे नेचर ऑफ चेंज. तो ध्यान रखना जो फिजिकल चेंज होते हैं वो एक तरह के टेम्परेरी चेंज होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, टेम्परेरी चेंज होते हैं, और ये केमिकल चेंज आपके कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं. आप देखोगे कि अगर वाटर जो है आपका लिक्विड से गैस में बना है, तो अगर आपने उसको कवर किया तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और वो इवापोरेशन से कंडेंसेशन हो जाएगी, तो वापस लिक्विड ही बन सकता है. केमिकल चेंज में क्या है, अगर आपका कंबर्शन रिएक्शन हो गई, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो वो वापस फिर से वो नहीं बनेगा. ठीक है, टेम्परेरी है, परमानेंट है. आप नीचे यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दिस चेंज वी कैन से, यहाँ पे आप अगली हेडिंग बना के लिख सकते हो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ऐसे रिवर्सिबल ऑब्लिक इरिवर्सिबल कर देना आप. तो ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. तो ये हमने तीन डिफरेंस देख लिया. ठीक है, अगला क्या है इसका, यहाँ पे हेडिंग डालो एनर्जी, एनर्जी इंट्रैक्शन. देखो फिजिकल चेंज में वेरी लेस इंट्रैक्शन विद एनर्जी, वेरी लेस और नो इंट्रैक्शन विद एनर्जी. यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वेरी लेस और नो इंट्रैक्शन विद एनर्जी ऑफ मैटर. अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे लिखा हमने. और यहां पे क्या होगा, इंट्रैक्शन विथ एनर्जी ऑफ मैटर इज प्रेजेंट. अब इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि कोई भी जैसे नया सब्सटेंस बनता है, कोई भी नया सिस्टम, जैसे एमजी है, यहाँ पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये MgO बना था. तो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे OO बॉन्ड था, फिर ये नया बॉन्ड. तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है,
रिलीज होती है। अब फिजिकल चेंज में तो क्या है आपका कि कोई नया बॉन्ड बनेगा नहीं, कोई नया बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो फिर एनर्जी जो मैटर की एनर्जी है उससे कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड टूटेंगे, तो इसलिए वो जो एनर्जी है इंट्रैक्शन वो होगी। ठीक है, ये हमने 4 पॉइंट लिखे। 5वें पॉइंट में आप सिंपल जो है एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, मैंने आपको बताया इवोपरेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो कम्बशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दो, कोरोजन लिख दो, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस लिख दो, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट ही मेन पॉइंट है, आपको कहीं और ज्यादा पॉइंट लिखे हुए दिखेंगे, आप उसमें मत पढ़ना, यही बेसिस बना के लिखना। चाहो तो आप इस पॉइंट में एक चीज और जोड़ सकते हो कि रिवर्सिबल है, और कब कब क्या होगा कि व्हेन व्हेन फैक्टर ऑफ चेंज इज रिमूव्ड, व्हेन फैक्टर ऑफ चेंज इज रिमूव्ड ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड, ओरिजिनल स्टेट इज रीस्टोर्ड। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि यहाँ पर तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता ही है कि ये रिवर्सिबल है। यहाँ पे मतलब वही है कि जैसे मान के चलिए कि आपने आपने कोई रबर है, तो आपने उस रबर को खींचा हुआ है, तो उसकी स्टेट, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो वो फिजिकल चेंज है। आपने उसको फोर्स हटा दिया तो वो फिर से अपने दूसरे फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें अभी तक अगर आप देखेंगे कि मेंस में कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस टॉपिक से नहीं आया, बट अगर आएगा तो वो कैसा आएगा, देखो शॉर्ट आंसर में क्या पूछ सकते हैं कि आपको कोई चेंज लिखा हुआ दे देंगे, ऐसे बता देंगे, ऐसे 1 वर्ड में आपको लिखा होना बताना होता है, तो आपको पूछ लेंगे कि स्टेट वेदर, स्टेट जैसे क्वेश्चन आएगा कि स्टेट वेदर क्रिस्टलाइजेशन इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं। इसी तरह से दूसरे दूसरे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए, आप और अपनी तरफ से स्पेशली फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल देखिएगा, क्योंकि कई बार वो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो 3 नंबर में वो आपके नंबर जा सकते हैं। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कोई चेंज पूछ लेंगे एंड दे विल आस्क यू वेदर दिस इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, एक तो ये आएगा। उसके बाद जो मैंने आपको ये रस्टिंग पढ़ाई, कोरोजन पढ़ाया, गैल्वनाइजेशन, इवेपोरेशन, ये सब पढ़ाया है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वॉट इज इवेपोरेशन, और ये कुछ चेंजेस की स्पेसिफिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं। लॉन्ग आंसर में आपका एक जो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो अब आ सकता है क्योंकि अभी तक नहीं आया है, वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड, पूरा समझ लिया हमने, सब देख लिया कि हमारा चेंज क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और हमने फिर डिफरेंस भी देख लिया, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे देख लिया। मैं नोट्स बता देता हूँ आपको, तो आप इजीली जो है उसको लर्न कर पाएंगे। तो क्या है हमारा, मेनी चेंजेस हैपन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट सच एज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन, रेनफॉल एक्सेट्रा, ड्यूरिंग सम रिएक्शन द ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर क्रिएटेड इन द प्रोडक्ट। तो ये फ्रेंड क्या है, केमिकल चेंज के बारे में जो हमने पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें आप ये यहाँ लिखी हुई है, उस वो भी लिख सकते हो, द चेंज इन विच मॉलिकुलर कंपोजिशन इज कम्प्लीटली अल्टर्ड एंड ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। आप ये वाली डेफिनेशन मत लिखना, ठीक है, ये लिख देना। ओके, तो केमिकल चेंज क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, मैंने जैसे बताया था केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। चेंजेस इन केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। अब आप देखोगे कि जो एप्पल है, वो एप्पल में क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसको तो पूरा सड़ गया, वो उसको सड़ गया, रॉटेन। ओके, तो क्या वो एप्पल वैसे ही आप रख दोगे तो वो फिर से सही हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये रिवर्सिबल परमानेंट। इट रिवील्स दैट केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग और अल्टरिंग दी एक्सपेरिमेंटल चेंजेस। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर आप गैस को वापस कंडेंस कर सकते हो, अगर आप उसको ऐसा कुछ प्रोसेस करोगे तो कंडेंस कर लोगे तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैग्नीशियम से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो दैट कैन नॉट बी अगेन चेंज टू मैग्नीशियम, ठीक है, वो तो पाउडर बन गया, फिर से थोड़ी होगा। द मास ऑफ द सब्सटेंस इज अल्टर्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, आइदर द मास इज एडेड और रिमूव्ड। तो ये जैसे ये मैग्नीशियम है तो ये इसका मास चेंज हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, अल्टर्ड हो जाएगा कुछ मास इसमें। अब जैसे ऑक्सीजन भी तो जुड़ गया इसमें, तो ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था, दोनों अलग अलग थे, अब इसमें क्या होगा, अब ये वाला मास थोड़ी रहा दोनों का, दोनों का मास क्या हो गया, अलग मास बन गया MgO के नाम से, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द एनर्जी चेंजेस ऑकर, देयर इज एन एनर्जी डिफरेंस इन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिजिकल चेंज है उसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो कम होता है पर कम होता है, केमिकल जो चेंज होता है उसमें एक एनर्जी चेंज अप्रिशिएबल होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। केमिकल चेंज एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने 10th में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए हैं, तो जैसे टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि अगर जैसे पानी और एसिड की रिएक्शन होती है, पानी और एसिड की रिएक्शन होती है, टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म हो जाती है, टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म हो जाती है मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट निकली है। तो जब ऐसी रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये देर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ वॉन्ड अप होता गया है। जैसे रिएक्शन हुई एम जी और ओ टू की, तो अभी रिएक्शन में क्या होगा, ये ओ टू जो है इसके ओ और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है मैंने आपको बताया था, तो ये डबल बॉन्ड पहले तो ब्रेक होगा, फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड टूटने में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है, तो वही एनर्जी जो है आपके चेंज में होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल देख लिए, और देख लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, ठीक है, वुड कार्बन, बर्निंग ऑफ कैम्फर कोल, सोरिंग ऑफ मिल्क, ध्यान रखना दिस इज अ केमिकल चेंज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड, अब इसके बारे में सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई एग्जाम में देखा है कि सिर्फ पूछ लेते हैं सोरिंग ऑफ, इस सोरिंग ऑफ मिल्क का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो आपको बताना होता है, और वो सोरिंग ऑफ मिल्क जो है केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दूध में फ्रेंड्स एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस। ये जो लैक्टोस है ये अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, तभी सोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है दूध का खट्टा होना, तो इसी कारण से हो जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे खाने में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेस्ट होते हैं और क्या बनता है, एटीपी एनर्जी बनती है, तो वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज तो बड़ा सिंपल है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, दी ओनली दी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज अल्टर्ड, ठीक है। जैसे कि लिक्विड है तो वाटर के मॉलिक्यूल पास पास में, और गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या हो गया, दूर दूर हो गए। तो ओनली दी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज अल्टर्ड, ठीक है। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड दी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन्स टोटली दी सेम, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरी सेम रहती है। नो एनर्जी चेंजेस ऑकर वेन एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, देखो इसमें नो या फिर आप लिटिल लिख सकते हो, नो और लिटिल एनर्जी चेंज ऑकर, द एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अ फिजिकल चेंज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द चेंज, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। जितनी आप उसको फिर से रिवर्स उतनी एनर्जी दोगे तो फिर से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एक बैंड है, इलास्टिक बैंड है, उसको खींचोगे तो उसकी साइज चेंज हो गई, छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस उसको वापस छोड़ दोगे तो फिर से वो सेम साइज में आ जाएगा, तो आपने जितना फोर्स दिया था उतना ही वापस छोड़ोगे तो चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी, जैसा कि हमने देखा, द रिएक्शन गेट्स रिवर्स इफ द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग द चेंजेस रिमूव्ड, फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑन फ्रीजिंग फॉर्म्स आइस एंड आइस ऑन मेल्टिंग फॉर्म्स वाटर, ठीक है। तो जो पानी जो उसको अगर आप टेम्परेचर उसका कम कर दोगे तो आइस बन जाएगा, और आइस का ही वो ज़्यादा टेम्परेचर में रख दोगे तो फिर से लिक्विड। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, मास चेंज नहीं होता, वहाँ पे चेंज हो जाता है, आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन चेंज होता है मास, ठीक है, क्योंकि आपने ओ टू यहाँ लिया फिर मैग्नीशियम लिया, तो यहाँ जो एम जी ओ बनेगा उसमें मास चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट दो हैं ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ओनली एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड एंड द मास इज नॉट इन्वॉल्व इन अ फिजिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखोगे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब तो मैंने आपको तीनों तो बताए हैं काफ़ी अच्छे से, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ऐसा नहीं होता कि C12H22O11 और वाटर में कोई रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता, हाँ ध्यान रखना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, चेंजेस क्या है आपके, फिजिकल चेंज है। डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं, वैसे देखे हुए हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, केमिकल चेंज में देयर इज चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट क्या है, द इंडिविजुअल मासेस ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंडिविजुअल मासेस ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन चेंज, बट द ओवरऑल मास मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना यही पॉइंट है कि इंडिविजुअल मास चेंज हो जाता है उसका, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको अगर गर्म करो हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग, CO2 अलग, अब अगर आप इसे टोटल देखोगे ना यहाँ पे तो कार्बन का मास सेम आ जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि अलग हो गया यहाँ पे, ये यहाँ मोर अप्रोप्रिएटली ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ तीन ऑक्सीजन थे, अब इंडिविजुअल मास यहाँ पे एक ऑक्सीजन चले गया, यहाँ दो ऑक्सीजन चले गए, तो वो एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। देर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और यहाँ पे कोई मॉलिकुलर स्ट्रक्चर रीअरेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ दी सब्सटांस, पूरे नए सब्सटांस ही बन जाते हैं। फॉर्मर स्टेट ऑफ मैटर इज यूजली ऑप्टेंड वेन द फैक्टर ऑफ चेंजेस रिमूव्ड, और जो चेंज होता है इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ही होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं देख लेना आप, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ये चेंज क्या होता है फ्रेंड्स, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे लेसन में था, ओके, आप प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।